हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा अलग वीडियो है। हर एक मूवी इस साल की, इसने क्या किया है, इसको क्या बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से टैग मिला है। बहुत सी मूवीज़ यहाँ पे नंगी होने वाली है। तो भाई, आज उतना वक्त है, रोज़ रोज़ ये अपडेट्स देने से अच्छा है आज मैं कुछ अलग लेकिन ऑफिशियल आपको बताने वाला हूँ। इसमें शायद ये भी हो सकता है कि सिर्फ 2023 नहीं भाई, 2022 की भी कुछ मूवीज़ का आपको रियलिटी दिख जाएगा। ओके, तो चलो चलते हैं। अनचार्टेड करके एक फिल्म आई थी, ओके, 2022 में आई थी मेरे अकॉर्डिंग। इसमें शायद कुछ 2021 की भी हो सकती है। ओके, आज आपको थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, लेकिन शेयर कीजिए सब मूवीज़ के बारे में अपडेट्स। ये लोग जो झूठे मूठे टैग डालते हैं ना, उसका भी, कि हिट मिली थी या फ्लॉप। अनचार्टेड करके एक फिल्म थी जिसका बजट था 20 करोड़, उसने कमाए थे 8 करोड़ और फ्लॉप गई थी वो बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से। इसको भारत की तरफ से जो भी है, फ्लॉप का टैग है। बधाई दो, बधाई दो के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 45 करोड़ की ये मूवी थी, 21 करोड़ इसने कमाया था, इसको फ्लॉप का टैग मिला था। वो बात अलग है कि इन लोगों ने शायद इस मूवी को ऑस्कर दे नहीं सॉरी ऑस्कर नहीं फिल्म फेयर दिया था ना शायद, मे भी, मुझे अभी याद नहीं, कुछ तो मिला था। लेकिन इस यही मूवी थी ना वो, पता नहीं यार, चलो छोड़ो। गहराइया, ये तो भाई OTT पे आई थी, आपको पता होगी, दीपिका वाली। इसको 8.5 लाख व्यूज़ आए थे, लेकिन उस अकॉर्डिंग जो अमेज़न प्राइम वीडियो का जो उसका डील था, कुछ 70 करोड़ की ये फिल्म थी, इसको डिज़ास्टर मिला था। भीमला नायक तेलुगू में, यहाँ पे तेलुगु का ही अपडेट है, 75 करोड़ की मूवी थी, उसने 105 करोड़ कमाए थे, ओवरऑल कमाए होंगे मे भी, उसको हिट का टैग था। वाली माई 150 करोड़ में बनी थी, 110 करोड़ इसने कमाए थे। ओके, इसको कुछ पता नहीं भाई, ये साउथ की तरफ से इतना क्यों ये करते हैं, इन्होंने एवरेज दिया है। एक्चुअली लॉजिकल देखा जाए तो इसको कुछ जगह पे फ्लॉप का टैग मिला था। भाई बायस नहीं हूँ भाई मैं, बेवजह साउथ के साइड रहूँगा, बॉलीवुड के अगेंस्ट रहूँगा, ऐसा नहीं हूँ भाई। उस अकॉर्डिंग इसको फ्लॉप का टैग मिलना चाहिए था, जो इन लोगों ने नहीं दिया, एवरेज दिया है। मे बी वो फिर तमिल, तेलुगू, हिंदी, वो वर्ल्ड वाइड मिला के होगा, पर उसका कलेक्शन उतना कहाँ हुआ है। एनीवे, झुंड करके मूवी आई थी, 30 करोड़ में बनी थी, उसने 14 करोड़ कमाया था, फ्लॉप मूवी है वो, अमिताभ बच्चन की। राधे श्याम, 300 करोड़ का बजट था, 104 करोड़ ओवरऑल कमाए थे, डिजास्टर इसको टैग मिला था। गंगूबाई 180 करोड़ में बनी थी, 127 करोड़ भारत में इसने कमाया था, भारत का जो टैग था इसको फ्लॉप था, लेकिन वर्ल्ड वाइड वगैरह मिला के इस मूवी ने कुछ 210 करोड़ का बिजनेस था किया था, भारत प्लस बाहर का सब कुछ कलेक्शन मिला के टोटल कलेक्शन 210 करोड़ था, 180 करोड़ का बजट था, इसीलिए इसको सेमी हिट का टैग मिला था ओवरऑल, लेकिन भारत में फ्लॉप का टैग मिला था। राधे श्याम, सिर्फ हिंदी की बात करें तो हिंदी बनाने में कुछ 50 करोड़ इन लोगों ने खर्चा किया था, स्क्रीन वगैरह सब कुछ मिला के 22 करोड़ इसने कमाया था और ये मूवी फ्लॉप गई थी। अटैक, जॉन अब्राहम की मूवी, 65 करोड़ में बनी थी, 16 करोड़ इसने कमाया था, डिजास्टर गई थी। बच्चन पांडे, 180 करोड़ का बजट था, 51 करोड़ भारत में कमाए थे, डिजास्टर इसको टैग मिला था। बीस्ट 150 करोड़ में बनी थी, इसका टोटल कलेक्शन कुछ 250 करोड़ दिखाया गया है, तमिल, तेलुगु, हिंदी सब कुछ मिला के उसको हिट का टैग दिया गया है। आचार्य, 150 करोड़ में बनी थी, 76 करोड़ कमाया था, डिजास्टर गई थी। द कश्मीर फाइल्स, 14 करोड़ में बनी थी, भारत में 253 करोड़ कमाया था, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। RRR 200 करोड़ में बनी थी, हिंदी की बात करें तो सिर्फ हिंदी की बात है यहाँ पे, 277 करोड़ कमाया था, सुपर हिट का टैग हिंदी में मिला था, ओवरऑल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। जर्सी, 100 करोड़ में बनी थी, 19 करोड़ कमाए थे, डिजास्टर गई थी। हीरोपंती 2, 85 करोड़ में बनी थी, 25 करोड़ कमाए थे, डिजास्टर गई थी। रनवे 34, 65 करोड़ में बनी थी, 30 करोड़ कमाए थे, डिजास्टर गई थी। RRR 600 करोड़ में बनी थी, ओवरऑल, अब ओवरऑल ओके, बजट इसका आपको तो पता है, 1200 से लेके 1400 करोड़, जापान वापान सब कुछ मिला के इसका हुआ है कलेक्शन, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का इसको टैग मिला था।
जयज बाय जोरदार 90 करोड़ में बनी थी, 15 करोड़ कमाए थे, डिजास्टर गई थी। केजीएफ 2 100 करोड़ में बनी थी, 1250 करोड़ के आसपास इसने ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, 1235 करोड़ से लेके 1250 करोड़ के बीच ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का इसको टैग मिला था। केजीएफ 2 हिंदी की बात करें तो 100 करोड़ में बनी थी, 435 करोड़ कमाए थे। हाँ हिंदी मतलब इन्होंने सभी इसका बजट दिया है, वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिंदी में भी इसको मिला था। धाकड़ 85 करोड़ में बनी थी, 2 करोड़ कमाया था इसने, 2.9 करोड़, डिजास्टर गई थी। अनेक 45 करोड़ में बनी थी, 7 करोड़ कमाए थे, डिजास्टर गई थी। मेजर 30 करोड़ में बनी थी, 61 करोड़ कमाए थे, सुपर हिट का टैग मिला था। 777 चार्ली 15 करोड़ में बनी थी, ओवरऑल 115 करोड़ इसने कमाया, सुपर हिट का टैग मिला था। जनहित में जारी नुसरत की मूवी थी, 20 करोड़ का बजट था और इसने कमाए है सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ और डिजास्टर गई थी। निकम्मा करके कोई फिल्म थी, 28 करोड़ में बनी थी, 2 करोड़ कमाए थे, डिजास्टर गई थी। विक्रम 150 करोड़ में बनी थी, 460 करोड़ ओवरऑल कमाए थे, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई थी। पृथ्वीराज 300 करोड़ में बनी थी, भारत में 70 करोड़ कमाया था, डिजास्टर गई थी। भूल भुलैया 2 75 करोड़ में बनी थी, 187 करोड़ भारत में कमाए थे, सुपर हिट गई थी। राष्ट्रकवच ओम 35 करोड़ में बनी थी, 7 करोड़ कमाए थे, डिजास्टर गई थी। खुदा हाफिज 2 विद्युत जामवाल की मूवी 27 करोड़ में बनी थी, 14 करोड़ कमाए थे, डिजास्टर गई थी। शाबाश मिथु 30 करोड़ में बनी थी, 2 करोड़ कमाए, डिजास्टर गई थी। हिड फर्स्ट केस 35 करोड़ में बनी थी, 9 करोड़ कमाए, फ्लॉप गई थी। जुग जुग जियो 105 करोड़ में बनी थी, 84 करोड़ कमाया, फ्लॉप गई थी भारत में। हालांकि इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो 140 करोड़ दिखाया है, इसीलिए इसको वर्ल्ड वाइड और भारत को मिला के हीट का कुछ जगह पे सेमी हिट का टैग मिला है, लेकिन भारत का जो टैग है जुग जुग जियो का वो फ्लॉप था। रॉकेटरी 60 करोड़ में बनी थी, 22 करोड़ कमाए, फ्लॉप। गुड लक जेरी करके एक जानवी कपूर की मूवी आई थी, ऑनलाइन आई थी, याद है, उसको एवरेज का टैग मिला था, ओके 4.9 मिलियन व्यूज़ हुए थे उसके, 35 करोड़ में बनी थी। शमशेरा 150 करोड़ में बनी, 47 करोड़ कमाया, डिजास्टर गई थी। विक्रांत रोना 95 करोड़ में बनी थी, 130 करोड़ कमाया, हिट का टैग मिला था। एक विलन रिटर्न 72 करोड़ में बनी थी, 43 करोड़ कमाए थे, फ्लॉप का टैग मिला। डार्लिंग्स एवरेज गई थी, OTT पे आई थी। सीतारमन 30 करोड़ में बनी थी भारत में, 98 करोड़ कमाया था, हीट का टैग मिला था। दोबारा 30 करोड़ में बनी थी, 4 करोड़ कमाए, डिजास्टर गई थी। बाय द वे मैं एक काम करता हूँ, मैं 2022 का अभी भी बाकी है ये, मैं वीडियो को 2022 बोल देता हूँ और 2023 का मैं स्पेशल वीडियो बनाता हूँ थोड़ी देर बाद, ओके, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वरना मूवीज़ बहुत है ना। रक्षाबंधन 115 करोड़ में बनी थी, 48 करोड़ कमाए थे, फ्लॉप गई थी। लाल सिंह चड्ढा 180 करोड़ में बनी थी, 64 करोड़ कमाए थे, डिजास्टर गई थी। रक्षाबंधन को फ्लॉप का टैग था। कार्तिकेय 2 15 करोड़ में बनी थी, 116 करोड़ कमाए थे, सुपर हिट गई थी। कोबरा 90 करोड़ में बनी थी, 68 करोड़ कमाया था, फ्लॉप गई थी। लाइगर 110 करोड़ में बनी थी, 70 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाया था, फ्लॉप गई थी। कठपुतली 8 मिलियन व्यूज़ आए थे, हिट गई थी OTT पे। जोगी एवरेज गई थी, 4 मिलियन व्यूज़ आए थे OTT पे। बबली बाउंसर जो है 5.5 मिलियन व्यूज़ आए थे उसको, एवरेज गई थी OTT पे। धोखा 20 करोड़ में बनी थी, 2.7 करोड़ कमाया था, फ्लॉप गई थी। चुप 28 करोड़ में बनी थी, 10 करोड़ का कलेक्शन आया था, फ्लॉप गई थी। ब्रह्मास्त्र 410 करोड़ में बनी थी, 260 करोड़ भारत में इसने नेट कलेक्शन कमाया था, इसको भारत का टैग है फ्लॉप, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसने 425 करोड़ का बिजनेस किया था, इसको सेमी हिट का टैग है वर्ल्ड वाइड। करण जोहर इसको सुपर हिट बोलता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया एवरेज बोलता है इस मूवी को, ओके, और भारत में तो फ्लॉप का टैग मिला है इसको। एनीवेज ब्रह्मास्त्र तक हो गया ना। वर्ल्ड विक्रम वेदा की बात करते हैं, 175 करोड़ में बनी थी, 128 करोड़ कमाया, फ्लॉप। गुड बाय 40 करोड़ में बनी थी, 5 करोड़ कमाया, फ्लॉप। ब्रह्मास्त्र 410 करोड़ में भारत में बनी है, ओके 233 करोड़ था इसका कलेक्शन कुछ हिंदी में, इसको हिंदी का फ्लॉप टैग है। गॉडफादर 135 करोड़ में बनी थी, 118 करोड़ फ्लॉप, विक्रम वेदा का बता दिया मैंने। PS1 250 करोड़ में बनी थी, 498 करोड़ कमाया वर्ल्ड वाइड, ब्लॉकबस्टर गई थी। डॉक्टर जी 35 करोड़ में बनी थी, 27 करोड़ कमाया, फ्लॉप गई। डबल XL 22 करोड़ में बनी, 2 करोड़ कमाया, फ्लॉप गई। थैंक गॉड 100 करोड़ में बनी, 37 करोड़ कमाया, फ्लॉप गई। मिली 38 करोड़ में बनी थी, 3 करोड़ फ्लॉप।
कमाया था। मतलब फोन बूथ 45 करोड़ में बनी थी, 15 करोड़ कमाया, फ्लॉप गई थी। यशोदा 40 करोड़ में बनी थी, 32 करोड़ कमाया, फ्लॉप गई थी। कांतारा 16 करोड़ में बनी थी, 280 करोड़ कमाया था, ब्लॉकबस्टर गई थी। राम सेतु 140 करोड़ में बनी थी, भारत में 75 करोड़ का बिजनेस किया था, फ्लॉप गई थी। मोनिका ओ माय डार्लिंग फ्लॉप गई थी, 3.6 मिलियन व्यूज़ ओटीटी पे आए थे इसको, ओटीटी की फिल्म थी। ब्लर 2.1 मिलियन व्यूज़ आए इसको, फ्लॉप गई थी, ओटीटी पे आई थी। हिट 2 तेलुगु 15 करोड़ में बनी थी, 42 करोड़ कमाया। हिट ऊंचाई 35 करोड़ में बनी थी, 32 करोड़ कमाया था, फ्लॉप गई थी। फ्रेडी एवरेज गई थी 6.1 मिलियन, ओटीटी पे आई थी। एक्शन हीरो 45 करोड़ में बनी थी, 11 करोड़ कमाया, फ्लॉप गई थी। सलाम वेंकी 28 करोड़ में बनी थी, 3 करोड़ कमाया, फ्लॉप गई थी। इंडिया लॉकडाउन 25 करोड़ में बनी थी, 3.2 मिलियन व्यूज़ आए थे, ओटीटी पे आई थी, फ्लॉप गई थी। भेड़िया 85 करोड़ में बनी थी, 68 करोड़ कमाया, फ्लॉप गई थी। ये साइट जो है बॉक्स ऑफिस इंडिया सबको नंगा कर देती है, किसने क्या खो झूठ बोला था, क्या हुआ था। एनीवे धमाका 40 करोड़ में बनी थी, 82 करोड़ कमाया, सुपर हिट का टैग इसको मिला है। दृश्यम 2 90 करोड़ में बनी थी, भारत में 242 करोड़ का बिजनेस किया था, ब्लॉकबस्टर इसको व्यू मतलब मिला है टैग। गोविंदा नाम मेरा 8.2 मिलियन व्यूज़ आए थे इसको, ओटीटी पे आई थी, सुपर हिट का टैग मिला है। सर्कस 115 करोड़ में बनी थी, 39 करोड़ कमाया, डिजास्टर गई थी। ये हो गया भाई पूरा 2022। शेयर कीजिए वीडियो को।